कि आप लोग देख रहे हैं, इंडिया में पेंडेमिक की सिचुएशन अब वर्स्ट हो गई है। उसको देखते हुए आईएससी वालों ने बोर्ड 2021 के लिए एक नया सिलेबस निकाला है, एक नया रिड्यूस्ड सिलेबस निकाला है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम आपको डिटेल्ड एनालिसिस देंगे फर्दर रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ बायोलॉजी क्लास 12th। इसमें जितना भी हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स अब कोर्स में नहीं हैं, वो सब अब आपको बोर्ड्स में नहीं पढ़ना। इस वीडियो के बाद अब आपको एक नया सिलेबस मिलेगा जो बोर्ड 2021 में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट है, जो कि आप लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, वो पूरा कट चुका है, वो अब नहीं आ रहा है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावर स्ट्रक्चर, पॉलिनेशन टाइप्स, एजेंसीज एंड एग्जाम्पल्स लेके डिवाइसेस तक सब कट गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेकंड कॉलम में डेवलपमेंट से लेके फ्रूट तक अब कुछ नहीं आ रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। नीचे आएंगे तो देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अब कोर्स में नहीं है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन से लेके सेल्फ पॉलिनेशन तक नए सिलेबस में नहीं ऐड करा गया है। सिग्निफिकेंस से लेकर के डिस्पर्सल ऑफ सीड्स तक नहीं आ रहा है। इवन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में मोनोकॉट सीड्स का नहीं आ रहा है। चेंजेस इन ओव्यूल से लेके फॉर्मेशन तक अब कोर्स में नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में आएंगे तो आप देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शंस, ये पार्ट नए सिलेबस में नहीं लिखा है। ये दो लाइन नए सिलेबस से हटाई गई हैं। नीचे देखेंगे तो डिफरेंसेस बिटवीन ओएस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दो लाइन भी अब नए सिलेबस में नहीं ऐड करी गई हैं। नीचे आइए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से लेकर के कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, ये दो लाइन अब कोर्स में नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स में फर्स्ट पॉइंट में सेक्स्ड लिंक इनहेरिटेंस में हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस जैसी डिजीजेस नहीं आ रही हैं। नीचे देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, मीन्स क्रोमोजोम्स वाला पार्ट अब हटा दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम से लेकर के डाईहाइब्रिड तक अब कुछ नहीं आ रहा है। मल्टीपल एलिल्स, एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप, ये भी नहीं आ रहा है। पी के यू इन ह्यूमन बींग्स, ये भी अब कोर्स में नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो हमने पहले बताया था, उसकी डिजीजेज नहीं आ रही हैं। नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में राइज जेनोम नहीं आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियोसोम नहीं आ रहा है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी एक्सपेरिमेंट, मैकलोड एंड मैककार्टीज एक्सपेरिमेंट कोर्स में नहीं है। इवन आप लोग नीचे देखिए तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल से लेकर के डेफिनेशन ओनली डिस्कवरी तक, डिस्कवरी यहाँ पे जेनेटिक कोड की बात हो रही है, वो आपको। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में राइज जेनोम प्रोजेक्ट, जो हम पहले भी बता चुके हैं, वो हट चुका है। एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट हटा दिया गया है। मीन्स अब आपको इस चैप्टर में इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। लेफ्ट में आप लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट हटा दिया गया है। इसके बाद आप लोग आएंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में, जिसमें कुछ डिजीजेस एंड अल्कोहल वाला पार्ट हटाया गया है। डिजीजेस में टाइफॉइड, अमीबियासिस, फिलारियासिस, एस्कैरीज, अल्कोहल अब्यूज, ये चीज़ हटाई गई है। नीचे देखेंगे वही सेम डिजीजेस हैं, टाइफॉइड, अमीबियासिस, हेलमेंटिक डिजीज, एस्कैरियासिस एंड फिलारियासिस।
इसके बाद राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, ये पार्ट हटा दिया गया है। इवन कंट्रोल ऑफ अल्कोहल अब्यूज अब कोर्स में नहीं है। सेकेंड पॉइंट अब हटा दिया गया है, सेकेंड पॉइंट विच मीन्स स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये पार्ट पूरा हटा दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग हटा दिया गया है, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन एंड इट्स जुडिशियस यूज हटा दिया गया है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वाला पूरा पार्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स से लेकर के स्विस चीज तक अब कोर्स में नहीं है। एंटीबायोटिक्स में जो पेंसिलीन अब पढ़ाई जाती थी वो अब नहीं है कोर्स में। सीवेज ट्रीटमेंट में से भी चीज़ें हटी हैं जिसको हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में बायोगैस प्लांट, कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स हटा दिया गया है, एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स में लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई का मेंशन अब नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में डीएनए फ्रॉम प्लांट सेल बाय सेल लाइसिस ही है कोर्स में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में हिंदी सेकंड अब नहीं है। ये सब वर्ड नए सिलेबस में नहीं थे तो वो मैं आपको मार्क करके बता रही हूँ। आप देखेंगे सेकंड कॉलम में लास्ट की दो लाइन वो अब कोर्स में नहीं है, जिसका मतलब बायो फोर्टिफिकेशन में अब सिर्फ गोल्डन राइज आ रहा है। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, ये तीन वर्ड नए सिलेबस में नहीं है। इवन डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट एंड नीच अब कोर्स में नहीं है। आगे देखेंगे तो इकोसिस्टम वाला पूरा पैराग्राफ कटा है, विच मीन्स इकोसिस्टम इज नॉट इन आवर कोर्स नाउ। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में आप देखेंगे तो ये दो वर्ड कोर्स में नहीं है, विच इज टिश्यू कल्चर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट विच रेफर्स टू एनवायरमेंटल इश्यूज, ये पूरा अब कोर्स में नहीं है। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कोर्स में है एंड क्या आपको बोर्ड 2021 के लिए पढ़ना है। दैट्स ऑल, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।